भाई हम एंटर कर चुके हैं मुखर्जी नगर के अंदर। देखो ये कह रहे हैं कि ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं भाई इधर। ये देखो कहते बैठे हैं भाई इधर। ये तुम्हारा बत्रा है भाई बत्रा। ये है दृष्टि, दृष्टि IAS। इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको मुखर्जी नगर का नजारा दिखाऊंगा रात के 12 बजे का, कि रात के 12 बजे मुखर्जी नगर कैसा दिखता है। उसके बाद मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा। पहली बात कि यहाँ का माहौल कैसा है मुखर्जी नगर का। दूसरी कि भाई आपको प्रिपरेशन करने के लिए, SSC CGL की प्रिपरेशन करने के लिए आपको मुखर्जी नगर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो भाई ये देख लो अभी टाइम कितना हो रहा है, सर्च कर लेता हूँ मैं। ठीक है ठीक है, अभी भाई करंट टाइम दिल्ली का हो रहा है 11:52, मतलब रात के 12 बजे समझो आप। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ आपको कि मुखर्जी नगर के अंदर क्या क्या होता है रात के 12 बजे, क्या नहीं होता, कैसे क्या रहता है। ठीक है भाई। तो भैया अभी मेरे सारे फ्लैटमेट्स जितने भी सारे घर गए, इसलिए मेरे को लॉक लगा के जाना पड़ रहा है। और भैया जी हो गई अब दिक्कत ये होगी कि बारिश आ गई यार, पर फिर भी जाऊँ कि नहीं जाऊँ, चला जाता हूँ यार। तुम्हें दिखाना भी तो है कैसा मुखर्जी नगर दिखता है और कैसे तो दिन रहता है यार, कोई नहीं सोता इधर। ठीक है तो देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है भाई चलो जी तो स्टार्ट करें। चलो जी जय बाबा जी भाई। ये भाई मैं इधर रहता हूँ, ये हमारे कुछ अपार्टमेंट्स हैं। ठीक है भाई, ये तुम्हारा गांधी विहार है भाई, मैं गांधी विहार में रहता हूँ। और भाई अभी तो बारिश आ गई यार, बाहर कोई मिलेगा, अभी इतने थे सारे गए, दिन निकला रहता है भाई इधर रात में। ठीक है अब देखिए सारे इधर छुप गए जितने भी हैं, ये सारे तुम देख रहे हो। ये रात के 12 बजे का हाल है भाई गांधी विहार का। और भाई इधर मैं रहता हूँ, हाँ मत जाना भाई, कोई अगर मेरे को जानता पहचानता हो तो। ठीक है भाई ले 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 ले। तो भाई ये है तुम्हारा गांधी विहार। अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ तुम्हारे मुखर्जी नगर में। ओके जी। अरे यार बारिश आज गलत आ गया, आज मेरा मूड था व्लॉग वगैरह बनाने का। ये देखो बच्चे कैसे नहा रहे हैं भाई यार। अरे उस्ताद तो भैया ये हाल है। ओके अरे भैया 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 यहाँ से तो, अरे भैया थैंक यू गॉड यहाँ पे बंद रहता है ये, आज खुला हुआ है। ओके भैया ओके ओके। ये भाई हम एंटर कर चुके हैं मुखर्जी नगर के अंदर। अगर आप SSC CGL को बहुत कम टाइम में क्रैक करना चाहते हैं बिना मेहनत किए, इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं किए, क्योंकि मेन बात आती है प्रोडक्टिविटी के ऊपर। ठीक है प्रोडक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप बिना मेहनत, इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं किए हुए, सिर्फ मैं जो दे रहा हूँ वो सिर्फ याद करके रट के सिर्फ वही करोगे कर लोगे तो भैया CGL बहुत कम टाइम में आपका क्रैक हो सकता है। और इसमें ना सिलेक्शन की गारंटी भी मैं लेता हूँ। शायद मैं आपको मेरे नोट्स के बारे में बोलकर इतना ज़्यादा ना बता पाऊँ, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का। जो भी चीज़ें होती है मैं सिर्फ टेलीग्राम के ऊपर ही करता हूँ, और मेरी खुद की वेबसाइट है वहाँ की आपको भाई अभी बता रहा हूँ। ठीक है ये वीडियो पूरी देखने के बाद डिस्क्रिप्शन ओपन करना, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, नीचे ज्वाइन का बटन आएगा उसके ऊपर क्लिक कर लेना, वहाँ पर मैंने नोट्स डाल रखे हैं आप एक बार देख लेना। और भाई बस इन नोट्स के बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि 45 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, मतलब 45 लाख स्टूडेंट पेपर देते हैं SSC CGL का हर साल।
अगर किसी एक सिंगल एक ने भी अगर मेरे जैसे नोट्स बना रखे होंगे ना, तो भाई मैं यूट्यूब वगैरह सब कुछ डिलीट करके और बैठ जाऊंगा भाई, ठीक है। सब कुछ आपको ध्यान में रख के मैंने बनाए हैं नोट्स। और कम सब्सक्राइबर देखकर भाई शक मत करना बिल्कुल भी, कम सब्सक्राइबर वाला भी बहुत अच्छा कर सकता है। जरूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हों तभी ये सारी चीज़ें होंगी। मैथ्स के भाई मैंने गगन सर के नोट्स बनाए हैं, गगन सर की क्लासेस लिए मैंने, लगभग 378 क्लासेस थी, डेढ़ डेढ़ घंटे की, वो मैंने लिए, उनके प्रॉपर नोट्स बना रखे, प्रॉपर अच्छे तरीके से कंप्लीट है भाई, ठीक है। और भाई इंग्लिश के नोट्स मैंने जयदीप सर से बनाए हैं जो कैरेविल ऐप पे पढ़ाते हैं, ठीक है। और चार पांच टॉपिक मैंने कवर कर दिए हैं, चार पांच टॉपिक के मैंने नोट्स बना दिए, नाउन प्रोनाउन एंड डाउन प्रोनाउन, इंटेंशन ऑफ स्पीकर, टेंस और डेटर्मिनर्स, ये मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। इनकी प्रैक्टिस, टेंस और इंटेंशन ऑफ स्पीकर की प्रैक्टिस रह रही है, उसके बाद ये एडजेक्टिव वगैरह ये सारी है ना, मैं नोट्स बनाकर पूरा 80 डेज का टारगेट ले रहा हूँ, मतलब 80 डेज में आपको पूरा कंप्लीट दे दूंगा। मैथ तो मैंने कंप्लीट दे ही दिया, इंग्लिश का भी 80 डेज के अंदर। और जीके के नोट्स मिलेंगे आपको परमार सर के, परमार सर का नाम आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, बहुत अच्छे से, जो टॉपर्स भी है ना वो भी उनका नाम लेते हैं, लेकिन वो इंग्लिश में करवाते हैं, लेकिन मैंने वो नोट्स है ना बाईलैंगुअल बनाए हैं। एक क्लास को लेने में उनकी एक घंटे की क्लास होती है, एक क्लास को लेने में को 8 से 9 घंटे लगते हैं, 8 से 9 घंटे में लिख कर और प्रॉपर तरीके से मैंने वो हिंदी और इंग्लिश में दोनों बाईलैंगुअल में मैंने नोट्स बनाए हैं, आप एक बार जाके टेलीग्राम पे जरूर देख लेना। अब बात करते हैं भाई वोकैब की, तो एसएससी सीजीएल में ब्लैक बुक के नाम से बुक आती है वोकैब की, उससे बाहर भाई कभी भी नहीं पूछा जाएगा, ना ही पूछा गया है, ठीक है। अब ब्लैक बुक को रटने में ना दिक्कत होती है, तो ब्लैक बुक की जो मैंने टिप्स और ट्रिक्स मैंने बना रखी, हर वर्ड की बना रखी है मैंने, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके 1200 के समथिंग कंप्लीट हो गए, 200 मैंने लास्ट में जो मोस्ट रिपीटेड हैं वो कर रखे हैं, और 1000 मैंने अब कंप्लीट कर दिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बाद एंटोनिम और सिनोनिम के भी मैं अपडेट कर दूंगा, उसके अंदर जो मैंने वोकैब डाल रखी है वो। और ये नोट्स आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अब टेलीग्राम चैनल पे मैंने स्टैटिक जीके की पूरी पीडीएफ डाल रखी है, ठीक है, बहुत अच्छी स्टैटिक जीके की पीडीएफ हो, उससे बाहर भाई मैंने तो नहीं देखा आज तक कोई कुछ आया हो। उसके बाद भाई मैंने जीके, मान लो आपने परमार सर के मेरे नोट्स दिए हुए हैं वो आपने पढ़ लिए, उसके बाद 20,000 क्वेश्चन की पीडीएफ की प्रैक्टिस आप वहां से करोगे, वो मैंने फ्री में डाल रखी है भाई, क्योंकि मेन पता क्या है, सीरियल को प्रैक्टिस से ही निकाला जा सकता है, सिलेबस कवर करने से नहीं निकाला जाएगा भाई। और मैं आपको डायरेक्ट प्रैक्टिस के लेवल पे खड़ा कर रहा हूँ, ना कि आप पहले सिलेबस कंप्लीट करो, क्लासेस वगैरह लो, तो उसमें टाइम जाता है भाई। करंट अफेयर्स की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम के ऊपर डाल रखी है, उसमें अपडेशन होना बाकी, शायद मैंने मई तक की डाल रखी है, अभी मैं और अपडेट कर दूंगा, बीच में थोड़ा इनएक्टिव था यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, तो अब मैं एक्टिव हो चुका हूँ, अब मैं आपको प्रॉपर नोट्स मिलेंगे। और अगर आप ये पीडीएफ सारे परचेज करना चाहते हैं तो बस आपको गूगल पे सर्च करना है www.ssc4sandeep.in। और ये सारी पीडीएफ ना आपको बहुत कम प्राइस में मिल जाएंगी, बहुत ही कम प्राइस में, ठीक है, 500 रुपए में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, सारी आप सब्जेक्ट वाइज लेना चाहते हैं सब्जेक्ट वाइज ले सकते हैं, नहीं 500 रुपए में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ये मेहनत आपके लिए की है मैंने, और ये प्राइस भी मैंने इसलिए रखा है ताकि भाई फ्री की चीजों की ना एक्चुअल में कोई कदर नहीं होती, जो मेरी बातों को समझ रहा है या फिर समझना चाहता है वो सारी चीजें समझ जाएगा। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर तो तुम्हें क्या ही दिखाऊं यार मैं, आज तो ऐसे हल्का फुल्का ही व्लॉग बना देता हूँ भाई मैं। बाकी जब देखो ये लाइब्रेरी के अंदर इधर ये शॉप खुली रहती है भाई 3 बजे तक, आपको अगर दिख रहा हो तो, दिन में बनाया जाएगा इसका ब्लॉग। और भाई जब मेन मुखर्जी नगर है ना वो है ये, आप देखो ये यहाँ पे स्टूडेंट्स वगैरह ये बाहर निकले हैं, कोई कुछ कर रहा है भैया, कोई कुछ कर रहा है, ये है भाई तुम्हारा मेन बतरा जो आपको दिख रहा होगा, शायद दिख रहा होगा इस साइड, ये बतरा है भाई, ये मुखर्जी नगर है, मतलब ये बतरा है भाई पूरा, ठीक है। इधर एक पराठा बनाता है भाई, 4 बजे तक पराठा बनाते हैं वो भैया, ये देखो कैसे बैठे हैं भाई इधर, ये तुम्हारा बतरा है भाई, बतरा मतलब एक जगह का नाम है बतरा सिनेमा, ये मुखर्जी नगर, और आगे चल के जो विकास दिव्य कीर्ति सर है ना जो दृष्टि वाले हैं उनका भैया, ये है भाई वो दृष्टि, इधर ये सारे कोचिंग सेंटर हैं,
अगर मैं तुम्हें ध्यान से दिखाऊं दिख भी रहा होगा तो यार ये है दृष्टि, दृष्टि IAS। ओके जाओ मैम, जाओ 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 जाओ, ये तुम्हारा दृष्टि है भाई। यहाँ पे जो आपने देखा होगा ना, जो आपने क्या देखा होगा प्रोटेस्ट वगैरह, ये तो वो यहीं पे हुआ था। ओके ये तुम्हारा यहाँ से ना उधर GTB नगर पड़ता है, मतलब GTB नगर मेट्रो स्टेशन, मतलब मुखर्जी नगर आना हो आपको तो मेट्रो पकड़ना, वो सीधी GTB नगर ही आएगी। मतलब GTB नगर की स्टेशन की पे उतरना, गेट नंबर 2 से एग्जिट करना आप मुखर्जी नगर, वहाँ से ऑटो मिलते हैं, ऑटो होते हैं भैया, वहाँ से आप मुखर्जी नगर आ सकते हो। मेरे को तो इसमें फ्यूल डलवाना था इसलिए मैं आया हूँ इधर, फिर मैंने सोचा कि यार ब्लॉग वगैरह भी बना लूँ मैं। ठीक है भाई, ये तुम्हारा मुखर्जी नगर। अरे भैया भयंकर बारिश हो रही है, बच्चे देखो कैसे खड़े हैं यार यहाँ पे। ठीक है, और जो तुम्हारा कैरियर व्हील है ना, जो तुम्हारा कैरियर व्हील है ना भैया, वो देखो इधर इधर कहीं है। देखो ये कैरियर व्हील की ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं भाई इधर। यार मैं कैसे दिखाऊं, बारिश आ रही है इधर, मैं दिखा पाता आपको शायद, काश मैं दिखा पाता यार ये। और ये देखो बच्चे कैसे भीग रहे हैं भाई बारिश में। और भाई ये है तुम्हारा मुखर्जी नगर का पुलिस थाना, ये देखो ये है भाई मुखर्जी नगर का पुलिस थाना। ये पता कब बना था, जब हमारे पार्लियामेंट पे जब अटैक हुआ था ना टेररिस्ट का, तो वो जो टेररिस्ट थे ना वो गांधी विहार ही स्टे किया था उन्होंने, मतलब गांधी विहार ही रुके थे भाई वो। हट जा भाई, हट जा, हट जा, हट जा, हट जा। तो भाई उन्होंने यहीं पे स्टे किया था। और ये है भाई तुम्हारा GTB नगर, ये तुम्हारा GTB नगर आगे, ये मेट्रो स्टेशन है भाई तुम्हारा। ठीक है, गेट नंबर 2 है GTB नगर का, इधर से आप, एक मिनट, इधर से आप आओगे तो इधर आप मुड़ जाना। भैया 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 कैसे कैसे दे रहा है तू यार। और ये भाई इधर ये रोड जाता है भाई ISBT कश्मीरी गेट, ये पूरा हाईवे। ओके ब्रो, बस भाई मुखर्जी नगर में दिखाने का तो बहुत कुछ है, पर आज बारिश आ रही थी यार, मैं आपको कुछ दिखा तो नहीं पाया। चलो देखो भाई, ये है GTB नगर, ये मेट्रो स्टेशन GTB नगर का। ठीक है, यहाँ पे ऑटो मिलेंगी आपको 5-5 रुपए में बत्रा के ऊपर, 10-10 रुपए में बत्रा के ऊपर आपको पहुँचा दिया जाएगा, मतलब मुखर्जी नगर। तो पहली बात स्टार्ट करते हैं, मुखर्जी नगर का माहौल कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है वहाँ का। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, बहुत सारे स्टूडेंट बाहर घूम रहे थे, कोई लाइब्रेरी से आ रहा था, कोई जा रहा था, ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट है ना वो टाइम वेस्ट कर रहे थे अपना, जो मुखर्जी नगर में रहता है। भाई प्लीज ऑफेंड मत होना, जो सही है, जो अपना डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा वो अपना काम करे, उसके वो सही है भाई मुखर्जी नगर का अपनी जगह पर जो टाइम वेस्ट कर रहा है भाई प्लीज ऑफेंड मत होना इस चीज को लेकर कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा। मैं जो बोल रहा हूँ ना भाई बहुत सही बोल रहा हूँ, और मैंने खुद ऑब्जर्व किया है भाई, तब मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ। अब मैं आपको एक फैक्ट की बात बताता हूँ, मुखर्जी नगर का जो सक्सेस रेशियो है ना वो 5% से भी कम है, मतलब कि 100 स्टूडेंट्स आते हैं मुखर्जी नगर में, यहाँ पे रहते हैं, जिसमें से 95 बिना जॉब लिए घर जाते हैं, सिर्फ 5 बंदे ही यहाँ पे, 5 स्टूडेंट ही यहाँ पे सक्सेस लेके जाते हैं, अपनी जॉब सिक्योर करके जाते हैं, जॉब लेके जाते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन है। ठीक है, पहला कि यहाँ पे पेरेंट्स का कोई कंट्रोल नहीं है, माँ बाप घर पे हैं, लड़का या लड़की उनके यहाँ पर पढ़ते हैं, तो एक अपोजिट रिएक्शन भी होता है। ठीक है, जेंडर रिएक्शन, जो अपोजिट जेंडर रिएक्शन जिसको बोलते हैं, वो है भाई यहाँ पे, और बहुत ज्यादा है, हद से ज्यादा है। और मतलब ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, तब मेरे को पता है कि रात में कैसे क्या घूमते हैं कैसे, मतलब वो सारी चीजें मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप इतने मतलब भाई हो, इतनी उम्र में हो, 18+ हो, आपको पता होगी सारी चीजें, क्या क्या चीजें हो सकती है, क्या क्या मैं बोलना चाहता हूँ आपको, क्या क्या चीजें नहीं बोलना चाहता।
मैं यहाँ पर उन स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा जिनका खुद के ऊपर कंट्रोल है, ठीक है, वो सीधा जाता है अपने माँ बाप की फिक्र करता है, मेहनत करता है, दबा के मेहनत करता है, डेली क्लास में जाता है, ठीक है, और एट द एंड वो जो भी लेके जाता है, ठीक है, मैं 5% की बात कर रहा हूँ, लेकिन जो 95% है वो मेरे हिसाब से भाई जॉब नहीं ले सकते अगर ये चीजें करेंगे तो। देखो मैं आपकी जो 95 है उनकी बुराई नहीं कर रहा, ना मैं करना चाहता, ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर मुखर्जी नगर जैसी जगह पर आकर अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो भाई यू नीड टू थिंक ब्रो कि मतलब भाई आपको सोचना चाहिए इस चीज़ के बारे में कि घर वाले किस चीज़ से किसके लिए भेज रहे हैं, किसके लिए नहीं भेज रहे हैं। माहौल आपके बनाने से बनेगा भाई, आप अगर सीधे जाओगे सीधे आओगे, ठीक है, एक साल की बात है भाई, सीजन एक साल की कहानी होती है, वो निकल जाता है, ठीक है, जिसने 4-5 साल यहाँ पे लगा दिए वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट जरूर हुआ है, कुछ ना कुछ बातें उसको ले डूबी हैं। यहाँ पे दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यारी दोस्ती। देखो भाईचारे में बिलीव करता हूँ, ठीक है, कि भाई तू मेरा यार तू मेरा दोस्त, लेकिन है ना यहाँ पर हम कोई यारी दोस्ती निभाने नहीं आए, यहाँ पर अपना काम करने आए हैं, माँ बाप ने यारी दोस्ती के लिए थोड़ी भेज रखा है। और मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं कि भाई मुखर्जी नगर के रिश्ते ना मुखर्जी नगर में खत्म हो जाते हैं भाई, जो सक्सेस लेके जाता है उन्हीं की यारी दोस्ती टिकी रहती है, ठीक है। यहाँ पे इंडिया के पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स होते हैं यहाँ पे, कोई यूपी से, कोई बिहार से, कोई हरियाणा से, जैसे मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जो मतलब यारी दोस्ती इधर उधर घूमना ये सारी चीज़ें करते हैं। और ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ क्योंकि मैं भाई ये देखता हूँ रोज डेली देखता हूँ भाई, मैं ग्रुप बना के कहीं भी चले जाएंगे कुछ भी खाने पीने के लिए, कुछ भी लाइब्रेरी के अंदर बैठे हैं, किसी ने ये बोल दिया कि चल भाई ये करके आते हैं वो करके आते हैं, वो चुपचाप खड़ा होकर चल लेता है क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शन है और उसको मना भी नहीं कर पाता। तो इससे बढ़िया है कि भाई यारी दोस्ती इधर करो ही मत, ठीक है, बाहर कर लो जो, लेकिन जो काम करने आए ना आप यहाँ पे वो काम सबसे पहले होना चाहिए इधर। अब दूसरी बात करते हैं, क्या आपको मुखर्जी नगर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। देखो हम सब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर हमारे पास इधर उधर का ना पैसा होता तो हम फिर सीजीएल की प्रिपरेशन क्यों करते हैं। अब बात ये आती है कि अगर आपको सीजीएल क्रैक करना है तो आपको मुखर्जी नगर का ठप्पा लगवाना चाहिए या नहीं चाहिए। तो अगर आप मेरे से पर्सनली पूछोगे कि भाई इधर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, मेरा सीधा सीधा और साफ साफ जवाब है भाई नहीं आना चाहिए इधर, बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। उसके रीजन मैं बताऊंगा आपको। अब आप ये कहोगे कि भाई तुमने मुखर्जी नगर रहकर ही प्रिपरेशन की थी और अब भी तुम मुखर्जी नगर में ही रह रहा है। देखो मेरी इंग्लिश हद से ज़्यादा वीक थी और जयदीप सर के बारे में मेरे को पता नहीं था जो कैरियर बिल पे पढ़ाते हैं वो, ठीक है, और घर पे भाई मेरे को बहुत ही ज़्यादा काम होते हैं, बहुत ही ज़्यादा, जो पीछे से जो उन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है मेरा चैनल उनको पता भी होगा कितने ज़्यादा काम होते हैं भाई। और मेरे को पढ़ाई वाला एनवायरनमेंट चाहिए था, और किसी के लिए मुखर्जी नगर का एनवायरनमेंट सही है किसी के लिए गलत है, मेरे लिए सही था भाई। क्यों? क्योंकि भाई मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, अगर मैं काम करना चाहता हूँ ना, अगर मैं काम मेरे को कोई काम दे दिया तो भाई मैं काम करूँगा, आपकी थोड़ी सी पढ़ाई वाली बात लगेगी बट मैं भाई डिस्ट्रैक्शन से बहुत दूर रहता हूँ बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, मैं उन 5% की बात कर रहा हूँ, जो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा भाई वो 100% जॉब लेके जाएगा यहाँ से, ये आप मान के चलो, रामबाण है मुखर्जी नगर अगर कोई यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो। और अगर किसी को घर पे काम ज़्यादा करना पड़ रहा है, उसको घर पे इन्वायरमेंट वो नहीं मिल पा रहा, तो भाई सीधा इधर आ जाए। मैंने पहले मना किया था, दोबारा हाँ इस बार मैं हाँ कर रहा हूँ, पहले मना इसलिए किया था जो डिस्ट्रैक्ट होते हैं उनके लिए, जो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता उनके लिए भाई रामबाण है मुखर्जी नगर आना। तो यहाँ मैंने इंग्लिश क्रिस्टोफर सर से की थी और मैथ की मैंने ऑनलाइन बैच लिया था गगन सर का, ठीक है, मैं सीधा जाता था भाई, सीधा आता था, ठीक है। और अगर आप ऐसा कुछ कर सकते हो, सीधा जाओगे सीधा आओगे, तो यू आर वेलकम ब्रो, मुखर्जी नगर में आपका स्वागत है। और अगर आपको बहुत कम टाइम में अगर सीजीएल क्रैक करना है और आपको लगता है कि भाई मेरा जो आगे आने वाला सीजीएल का पेपर के अंदर पेपर से पहले पहले मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, तो भाई मैंने जो नोट्स बनाए आपके लिए बनाए हैं, आप कोर्स ले सकते हो ना, जो आप कोर्स की जगह है मतलब नोट्स भी ले सकते हो, ठीक है, और उनको सिर्फ आपको रटना है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं। अभी मुखर्जी नगर के ऊपर और भी वीडियोज आएंगी तो स्टे ट्यून्ड और चैनल सब्सक्राइब कर लेना यार, मेरे लिए नहीं भाई अपने लिए, क्योंकि पता क्या है मैं अच्छी अच्छी टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा आपको। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू भाई।